नमस्कार, मैं हूं रितिका चौहान और स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम स्पोर्ट्स दुनिया में। आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन कर इतिहास रच दिया और गोल्डन गर्ल के नाम से जानी जाती हैं। हम बात कर रहे हैं अवनी लेखरा की, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में जीत हासिल कर गोल्ड और कांस्य पदक जीता। भारत की गोल्डन गर्ल अवनी लेखरा टोक्यो पैरालंपिक्स में भारतीय दल की ध्वजवाहक रही। वो पहली ऐसी महिला बनी जिसने एक ही पैरालंपिक में दो पदक जीते। उन्होंने पैरालंपिक में 30 अगस्त को 10 मीटर एयर राइफल के क्लास SH1 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद महिलाओं की 50 मीटर राइफल की P3 SH1 की में कांस्य पदक जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया। टोक्यो पैरालंपिक्स में अवनी लेखरा के कांस्य पदक जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उनको बधाई दी। कहते हैं जहां चाह होती है वहीं राह होती है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि हर एक सफल इंसान के पीछे औरत का हाथ होता है। इसी कथन को उल्टा कर देने वाली महिला है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा मूल रूप से राजस्थान के जयपुर की रहने वाली हैं। 2012 में एक सड़क दुर्घटना में उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और वह जिंदगी भर के लिए चलने में असमर्थ हो गई। अवनी लेखरा को शूटिंग करने की प्रेरणा 2015 में अभिनव बिंद्रा के रूप में मिली और साथ ही अपने पिता के प्रोत्साहन से आज अवनी लेखरा गोल्डन गर्ल के नाम से जानी जाती हैं। अवनी के हौसले को पंख देते हुए पैरालंपिक्स की सफलता में उनके कोच सुमा शिरूर का बड़ा योगदान रहा, जिसके बाद वह पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम इतिहास में दर्ज कर दिया। पैरालंपिक्स में एक के बाद एक दो मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया। उनकी इस उपलब्धि पर राज्यपाल कलराज मिश्रा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर खेल मंत्री अशोक चंदन और वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई सहित विभिन्न दल के नेताओं ने अवनी और उनके परिजनों को बधाई दी है। भारत टोक्यो पैरालंपिक्स में कुल 19 पदक जीतकर जिसमें से 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में 36वें स्थान पर बरकरार है। आज स्पोर्ट्स दुनिया में इतना ही। कल फिर मिलेंगे स्पोर्ट्स अपडेट के साथ।